आइए सुनते हैं ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित एक कहानी माँ, कथा श्रुति की आवाज में। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते, तब उसकी आंखों में आंसू झिमला आते और हर एक को वह एक ही जवाब देती, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कराने जैसा ही यह कहा जाएगा। माँ की यह ग्रंथि प्रकट हो जाने के बाद कोई उनसे ऐसी बात नहीं करता था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वे जिस तरह पालती पोसती, सेवा करती और लाड़ प्यार करती, यह प्रत्यक्ष देख लोग उनकी प्रशंसा भी करते कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, दूसरे के घर हो तो भूखी प्यासी कब की मर गई होती, और जीवित भी होती तो ऐसा हृष्टपुष्ट शरीर तो नहीं होता। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थीं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। दोनों पुत्र पढ़ लिखकर शहर में काम में लगे थे। पुत्री का विवाह हो गया था और वह अपनी ससुराल चली गई थी। मंगू की माँ अपनी 3 संतानों को भूल गई हो यह बात तो नहीं थी, किंतु उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही निछावर हो गया था। इसलिए छुट्टियों में जब कभी लड़के घर आते तब उनका घर बार पौत्र पौत्रियों से खिल उठता। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी। उन बालकों को वह लेती, खिलाती और लाड़ प्यार करती। माँ के इस व्यवहार के विषय में पुत्रों को तो कुछ ख्याल नहीं आता, पर पुत्रवधुएं कसमसा जाती। दोनों बहुओं की पति से यह एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से भी अलग नहीं करती। मातृत्व के स्नेह में खिंची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती। इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ जी का व्यवहार वैसा ही था। इस कारण बहुएं पति के आगे बड़बड़ाकर जब थक जाती तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती, मंगू को झूठा लाड़ लगाकर तुमने ही अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पाखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है इसका ख्याल आ जाता है। 12 वर्ष की लड़की चाहे कितनी भी पागल हो पर उसे आदत डाली हो तो क्या इतना भी ख्याल ना है? वह गूंगी है पर कुछ बहरी नहीं है कि हमारी बातें भी ना सुने। भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बार तुरंत ख्याल रखे। उसकी पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले ही माँ जी की आंखें बरसने लगी। पुत्री का हृदय भी भर आया, परंतु कलेजा कठोर कर वह मन की बात निकाले बिना ना रह सकी। तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो, पर यह समझ लो कि तुम ही इसकी वास्तविक दुश्मन हो। तुम कुछ हमेशा बैठी रहने की नहीं हो, भाभियों के पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मलमूत्र धोने का झंझट कोई नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पराई माँ ही कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मलमूत्र और कपड़ों का ध्यान आ जाए तो भी बहुत है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियां एक बार भी खाने को ना दें ऐसी ओछी नहीं है। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती, तब लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह उनकी पुत्री ही कह डालती। अस्पताल गौशाला जैसा होगा और शायद गंगू मर गई तो उसका और कुटुंब का छुटकारा होगा। मंगू की मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप में आए तो, परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेलने का विचार उन्हें असह्य लगता। स्वार्थ से सभी ठगे, पर निस्वार्थ से सगा हो वही सच्चा सगा। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ ना था। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध सार्थक था। इसलिए पुत्री कहे या पुत्र कहे,
तो भी मंगू को अस्पताल द्वारा मौत के मुंह में ढकेलने को माँ जी तैयार नहीं थी। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसलिए वे कभी ऐसी बात करते ही नहीं थे, क्योंकि तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड या अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए, तो आदत के कारण शायद उसे शौच और कपड़ों का ध्यान आ जाए, परंतु ऐसी अवस्था घर के पास हो सके यह संभव नहीं था, इसलिए वे मौन थे। फिर भी माँ जी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ पहुंचते। शिलाजीत बेचने वाले या हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा जानते हैं इसका दावा करते। माँ जी मानती थीं कि 1,000 उपचार करे तब एक तो लग ही जाता है, इसलिए दूसरे की दृष्टि में पागलपन जैसी बात भी वह गंभीरता से सुनती और श्रद्धा से उस पर अमल करती। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, इसलिए संभव है वह ठीक हो जाए। तभी से अगहन का महीना माँ जी के लिए आराध्य देव बन गया था। अगहन के महीने में मंगू के 14 वर्ष पूरे हो जाते थे, इसीलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरंग में नहीं चढ़ जाता वैसी तरंग माँ जी में चढ़ जाती। 14वां पूरा होते होते तो मंगू की बड़ी बहन का विवाह कर दिया गया था। मंगू पागल ना होती तो आज इसका विवाह भी तय हो गया होता। यदि अगहन के महीने में इसका पागलपन मिट जाए, मरी का रूप तो ऐसा है कि मूर्तियां यानी वर उसे देखने के साथ ही हाँ कह दे, और जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो वैसे वह विवाह की योजना भी मन में बनाने लग जाती। कमू मंगू की बड़ी बहन के समय घर की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो दोनों भाई शहर में अच्छा कमाते हैं, पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं, फिर मंगू के विवाह में किस लिए पीछे घूम कर देखेंगे। एक बार मंगू बुद्धिमानी के साथ हौज में पेशाब करने बैठी। उससे प्रसन्न हो माँ जी कई दिनों तक हर एक के आगे पारायण करती रही। ज्योतिषी का कहना ठीक होगा, मंगू अब से पहले कभी भी नहीं और यह पहली बार अपने आप हौज में पेशाब करने बैठी। सुनने वालों के गले से यह बात उतरनी कठिन थी, क्योंकि यह सुनते समय मंगू पेशाब कर गीली मिट्टी को अंगूठे से कुरेदती नजर पड़ती। माँ जी की दृष्टि उस तरफ जाते ही बुद्धिमान पुत्री को जैसे शिक्षा देती हो वैसे धीरे से कहती, मंगू ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा बेटा? मंगू को धुन आती और वह खड़ी हो जाती तो उन्हें नई बात मिल जाती। मैंने कहा तो समझकर बुद्धिमान की तरह खड़ी हो गई। इस प्रकार माँ जी की आशा भरा अगहन का महीना आया। फिर मंगू अच्छी तो ना हुई, पर शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ती गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी किसी चीज का ध्यान न रहता। माँ जी को इससे दुख तो हुआ, पर साथ साथ संतोष भी हुआ कि अच्छी भली लड़की पागल होते ही इस प्रकार विवेक खो बैठती है, तो जन्म से पागल मंगू बेचारी को ऐसा ख्याल ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य। कुसुम को दवा खाने में भर्ती करने का निश्चय हुआ। यह समाचार जानकर माँ जी को लगा कि उसकी माँ जीवित होती तो उसे अस्पताल में भर्ती ना करने देती। माँ बिना सब सुना कहा जाता है, वह झूठ थोड़ी ही है। इसके साथ उनकी भी आंखें बंद हो जाने पर मंगू को भी उसके भाई दवा खाने में भर्ती कराते हों वैसा दृश्य उन्हें कपा गया। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फायदा हुआ वैसा समाचार मिला। उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। अब उसे हर चीज का ठीक ठीक ध्यान आ गया है। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही। यह भी दूसरे महीने में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। दूसरे महीने में कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर भी एकाध महीना रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया। वह घर आई तो
तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा था। सबसे आगे मांझी थी। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख मांझी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा। मांझी, आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें, जरूर वह अच्छी हो जाएगी। मांझी ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। चुपचाप वह लोगों की सलाह सुनती रही। दूसरे दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया। उसे पास बैठाकर अस्पताल के हालचाल पूछना शुरू किया। मां दया भाव रखकर सेवा ना कर सके तो डॉक्टर नर्स कर ही नहीं सकते। ऐसी उनके मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। नर्स या डॉक्टरों को कोई कोई पागल चांटा मार दे तो भी वे लोग उस पर नहीं खींचते या उसे मारते नहीं, यह जानकर उन्हें अस्पताल पर श्रद्धा भी हुई। नई आशा पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवाखाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा तो वह किसे पता। इतने उपचार कर देखे तब एक और सही। नहीं मिटेगा तो क्या, वापस नहीं लाई जा सकती। अंत में मंगू को दवाखाने में भर्ती करने का मांझी ने निर्णय किया। इसीलिए बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र भी लिखवाया। फिर भी यह निर्णय किया, तब से उनकी नींद भी उड़ गई थी। जैसे वह हार कर या काम कर रही थी, ऐसे उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवाखाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई वह एक निमित्त था, बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। बहुएं चाकरी नहीं करेंगी यह मालूम हो गया था, क्योंकि दोनों में से एक भी बहू ने अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें ना दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर घर दिखते हैं, इसलिए अपने पुत्रों से भी आशा उन्हें अधिक ना दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए, या ना मिटे तो भी यदि उसे अस्पताल में भर्ती कर जाएं तो उन्हें मरने के समय एक प्रकार की शांति रहे कि उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। इस विचारधारा के साथ मांझी की आंखों से इतना अधिक पानी बह जाता कि बिछौना तर हो जाता, हृदय पुकार उठता। चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई। मांझी नींद में से चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूं? हृदय और दूने वेग से पुकार उठता, एक बार नहीं हजार बार। मांझी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवा खाने में भर्ती करना पड़े। रात में मैं उसे कितनी बार उड़ाती हूं, दवा खाने में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था। मांझी को लगा उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी कि जाड़े में उसे दवा खाने में भर्ती कराना पड़े। रात में मैं उसे कितनी बार उड़ाती हूँ, दवा खाने में इस तरह उसे घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। गर्मी में भर्ती करने का रखा होता तो ठीक था। परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ गया। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। एक सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। मांझी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुंचता। कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। इन्हें लगता था कि अभी यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहने के लिए जबान खुलती ही ना थी। वह बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका, तो अब मना करूं तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात मांझी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह साथ में ना जाए तो अच्छा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग करेंगे या उनसे सहन नहीं होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नजरों से नहीं देखेंगी, तब तक चैन पड़े
यह संभव नहीं था, इसलिए विवश हो वह जाने को तैयार हुई। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने लगे तब मानो उन पर ब्रह्मांड का भार आ गया। आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। नजर मंगू पर चिपक गई, वह किसी भी तरह उखड़ती ना थी। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों का रंग जी भरकर देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे, माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ी। उस समय माँ जी का कलेजा कटकर रह गया। गाय बैल भी जब उन्हें पुराने खूंटे से खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब नए आसामी के घर जाने में आनाकानी करते हैं। मंगू को इतना ध्यान भी नहीं था, वह प्रत्यक्ष अनुभव करती माँ जी ड्योरी से फिसल गई। हृदय कलकला उठा, अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं, सगी माँ भी उसकी ना हुई। पुत्र का हृदय भी भर आया, माँ की तरफ आंखें उठाने जितनी भी हिम्मत उसमें नहीं थी। जितना विलंब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पांव उठाने को तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लड़थड़ाकर पांव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसने धोती के कोने से आंखें पोंछ ली। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूट हृदय में पीकर घुटनों पर हाथ टेक वे खड़ी हुई। दो स्त्रियों ने पकड़कर चढ़ाया, तब उनसे बैलगाड़ी पर चढ़ा गया। मंगू पागल है यह जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिरों को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सुखी लड़की को अस्पताल में रखेंगी तो एक महीने में ही लकड़ी जैसी हो जाएगी। वहां तो जानवरों की तरह जितना दिया उतना खाया बस। हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के 5 साल से अस्पताल में भर्ती कराए हैं पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता तो रोने लगती हैं, पांव पकड़कर कहती हैं मुझे यहां से ले चलो, पर आजकल के लड़के लाते ही नहीं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं पर आजकल की बहुएं जानती हैं ना, पहनना ओढ़ना हो इसीलिए अधिक आदमी घर में पोसाता ही नहीं। इस लड़की की मां नहीं है क्या? मां जी को यह घाव असह हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कंठ रूंध गया, शर्म से आंखें झुक गई। साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दावा भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, आप माँ होकर इसे ढकेल रही हैं, फिर अस्पताल वालों को क्या दोष दिया जाए। माँ जी यदि अकेली होती या लड़के को बुरा लगने का भय ना होता तो लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर वापस आ जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए भारी कदमों और भारी हृदय से वह अस्पताल में प्रविष्ट हुई। मुलाकात का समय था इसलिए बीच के खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। स्वजनों द्वारा घर से लाया खाना काफी लोग खा रहे थे, कोई कोई फल खा रहे थे। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चों की बातें कर रही थी। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था, उससे वह लिपट पड़ी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिकाओं की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना भी नहीं देती, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती। माँ जी उस समय परिचारिकाओं की तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिका थी वह हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा अच्छा खाने को लाए हैं, वह एक बार खा लो। उस पागल स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उनका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलाया, रूमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं तो दयालु।
डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रन आ गई। माझी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया। माँ को संतोष हो इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी करने को कहा। मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता करनी ही नहीं चाहिए। बीच ही में माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है। कोई इसके पास बैठकर खिलाए नहीं तो यह खाती भी नहीं। इतना कहते हुए उनका कंठ भर आया और वाक्य वहीं अधूरा रह गया। दूर खड़ी परिचारिकाएं निकट दौड़ आईं। एक बोली, माँ जी आप किसी प्रकार की फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में कौर डाल डालकर खिलाएंगी। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है, इसे किसी भी चीज का जरा भी ख्याल नहीं रहता। यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देख लेना, नहीं तो गीले में ही सोई रहेगी तो वायु हो जाएगा। दूसरी परिचारिका बोली, रात में 4-5 बार जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, जिसे नींद नहीं आती उसे नींद की दवा दी जाती है। इसे दूसरे उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं, वह देखना। जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते तब रोगी को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नजर 2-3 बार अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यस्त बालों में, अस्त व्यस्त कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। एक ने उनकी तरफ देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। मांग की, मंगू को जिस कमरे में रखना हो वह मुझे दिखला दें। मैटर ने कहा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह दुनिया देख रही मंगू माझी की बगल में लपकी। सिर पर हाथ रख माझी रोज की तरह स्नेह में बेटा शब्द उच्चारित करने लगी कि तभी उनका स्वर फूट पड़ा, मरने के समय जैसी एक लंबी सिसकी फूट पड़ी। इस आक्रंदन में सारा अस्पताल डूब गया। पुत्री की आंखों से 14 आंसू बह चले। ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर, मेट्रन और परिचारिकाओं के हृदय भी भर आए, दीवारें भी आद्र हो उठी। इतना स्नेह भरा किसी पागल का स्वजन आज तक आया हो यह वहां किसी ने नहीं देखा था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल फटकार कर मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें। मंगू रुमाल पकड़ने के लिए मां को छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका हाथ थपथपाकर परिचारिका मीठे शब्दों में बोली, तो मेरे पास रहोगी ना बहन, मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे की तरफ ही ताक रही थी, इसीलिए उस क्षण का उपयोग करके चलो दूं कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा आधा खुला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू मंगू, कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी समझिए, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़कर जा रही हैं, ऐसा मानिएगा। अधेड़ वय की बालवय में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वासन देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं इसकी नई माँ हूं। माँ जी सिसकी भरती हुई बोली, इसे बेजवान जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है, मैंने इसे आज तक अपने से अलग नहीं किया। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसलिए मैंने अपना हृदय कठोर करके। और उनका कंठ भर आया। मेट्रन ने कहा, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। माँ जी की सिसकियां रुकी, फिर उनकी दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर मंगू पर ही जैसे पड़ी थी। मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध ना हो
तो दाल में। माँ जी की करुण आंखों की तरफ नजर करने की मैटरन की शक्ति लुप्त हो गई। वैसे ही वह नीची दृष्टि किए हुए बोली, अच्छा। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर बाहर आए, तब दोनों के चेहरे पर शोक के बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठे विदा हुए। ट्रेन के डिब्बे में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं, ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने ना दिया इसलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा ना लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें न जाने का नियम बताया होगा ना। इस बात का पुष्टिकरण करता था वह अधखुला दरवाजा, भूत की तरह घूमती गंदी और भूख से मरती सी भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां। इसके साथ ही माँ जी को मंगू उन्हें ना देखकर रोती हो वैसी आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती हो, किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में 11:15 बजे घर आई तब उनकी राह देखती पड़ोसिन, जो उनके कुटुंब की ही थी, वह जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रखा था, पर दोनों ने खाने के लिए मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो तब जैसा आग्रह करने वाली की जीभ नहीं खुलती, वैसे ही पड़ोसिन ज्यादा खींचतान न कर सकी। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज ही रहा था, मंगू इस समय क्या करती होगी। पल पल में यह विचार उनके हृदय को बेध रहा था। कितनी ठंड है, उसे उड़ाया तो होगा ना, पेशाब करके गीला कर दिया होगा तो उसका फ्रॉक और उसका बिछौना बदला होगा। जैसे मंगू उनकी बात सुन रही हो वैसे वह बोली, बेटा पेशाब ना करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्रॉक और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, इससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले और उसे गीले में सोना ना पड़े। माँ जी को स्वयं भी उसके बिना बिछौना सूना सूना लगता था। मन में हुआ, मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं। उनके लिए आंखें बावरी बन उन्हें ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्होंने चारपाई की पाटी पर सिर पटका, मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता ना थी, फिर भी उसके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर रखा गया था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी। उसका साक्षात्कार जीवन में पहली बार ही पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं ना कर सकूं तो मेरा जीना व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मलमूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। उसके साथ वेदना का काला पत्थर उसकी छाती पर से खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता, पर वह शांत पड़ गई लगी, इसलिए उसने भी सोने के लिए आंखों पर पलकी गिरा ली। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव को जैसे वेट डालने वाली चीखें माँ जी ने मारनी शुरू की, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़ आए, चक्कियां और मथनियां रुक गईं। जिसने सुना वही दौड़ आया और जो आए वैसे ठिटक गए।
माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।